हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स एजेजे व्लॉग। तो सबसे पहले जैसे कि हमेशा होता है, बड़ों को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, और छोटों को हाय हेलो। सो गाइस, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये हो गई है कि अपनी गाड़ी की, अपनी बाइक की हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो ये है अपनी बाइक, इसकी कंडीशन ऐसी तैसी हो चुकी है इसकी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं चौक। वैसे काफ़ी दिनों से निकाला भी नहीं है इसको। तो आज जाएंगे चौक एंड इसकी होगी साफ सफाई, एंड कुछ इशू भी हैं इसमें तो वो भी सही होने हैं। बाकी बात की जाए चौक में, तो काफ़ी काम है, अशाब से भी मिलना है, तो चलते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से मोटो व्लॉग कोई भी मोटो व्लॉग नहीं आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मोटो व्लॉग किया जाए। तो क्योंकि वहाँ पे लालबाग भी जाना है, जहाँ पे बाइक का बहुत सा काम हो जाता है। जो लखनऊ से, उनको तो लालबाग पता होगा, बट जो लखनऊ के आसपास है उनको नहीं पता होगा लालबाग कहाँ है। तो वहाँ भी जाएंगे, एंड चौक में भी कुछ अपना बिजनेस से रिलेटेड काम है तो वो भी होना है, एंड बाकी भी मिलना है आशा से। तो चलते हैं, लेट्स सी। तो आशा है कि आप लोग की होली बहुत अच्छी गई होगी, एंड हम लोग ने भी बहुत एंजॉय किया होली। तो भाई होली ऐसा दिन ही होता है कि जिस दिन एंजॉय किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी बाइक की कंडीशन बहुत गंदी है इस समय, डेंट भी काफ़ी हैं बाइक पे, तो जो कि सही होने थे, बट टाइम नहीं मिल पाया जिसकी वजह से तो जा नहीं पाए। बट अब टाइम मिला है कुछ, तो क्योंकि होली की छुट्टियां हैं, तो अब होली की छुट्टी का कुछ तो फ़ायदा उठाना होगा। तो आज पहले तो बाइक की कंडीशन इतनी गंदी क्यों है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई मोटो व्लॉगिंग नहीं की है, एंड ये बाइक चलाई भी नहीं गई है, तब से ऐसे ही खड़ी थी। तो अब मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को दिखाया ही जाए कि बाइक में मॉडिफिकेशन या कुछ होना है तो कहाँ हो। तो आज हम लोग जाने वाले हैं लाल बाग, क्योंकि लाल बाग में ही मॉडिफिकेशन का काम होता है। तो जो लखनऊ से होंगे उनको तो पता होगा, बट जो लखनऊ के आसपास से हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन हो या फिर व्हीकल, कोई व्हीकल हो, उसमें मॉडिफिकेशन होना है तो आपको लखनऊ से अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मीन्स लोकेशन, अगर लोकेशन आप लोग की लखनऊ के आसपास है तो आप लोग लालबाग जाएं, वहाँ पे सब काम हो जाता बाइक का, सब टाइप का मॉडिफिकेशन या कोई भी व्हीकल हो आपका, उसका मॉडिफिकेशन वहाँ पे हो जाएगा। कहाँ से चलेंगे पहले, क्योंकि अशाब से बातचीत हो गई है, अशाब से बात हो गई थी, उसको कुछ काम था तो वो तो निकल गया अपना। तो ये है गोमती पुल, तो इस समय पानी कम है, अच्छा इतना ये फुल होता है पानी इतना। वो है अपनी टीले वाली मस्जिद, शाम के टाइम कुछ अच्छा ही दिखता है। ये कुड़िया घाट है दिस साइड। तो जो लखनऊ आए वो सब यहाँ आए क्योंकि बहुत फेमस जगह है घूमने के लिए। तो आप पहले चलेंगे अपनी बाइक की वॉशिंग होगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे लाल बाग, क्योंकि वहाँ बाइक का काम होना है। तो ये कुड़िया घाट का मेन गेट है, एंड यहाँ भी जाएंगे हम लोग किसी दिन, दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा बना हुआ ये भी घाट है यहाँ पे, तो बोटिंग भी होती है क्योंकि गोमती नदी है। तो ये है कुड़िया घाट, चलते हैं पहले। Mm-hmm.
अभी तो नहीं आपको तो हुआ ये तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन डीडी के लगी नहीं चोट। तो भाई वॉश तो हो गई, तो अब बात किया जाए दीदी के एक्सीडेंट का। तो दीदी ने एक्सीडेंट जो किया वो तो क्या ही बताएं हम। एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे ये रोड बनी हुई है, यहाँ पे बाइक या हाँ बाइक कह ले, बाइक या स्कूटी बैलेंस नहीं हो पाती एक्चुअली। ये देख सकते हैं किस हिसाब के, क्योंकि यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, तो इसी हिसाब से कि आदमी ज़्यादा स्पीड में ना चले। एंड उसमें होता ये है कि बाइक बैलेंस नहीं होती है, इफ़ आपने ज़्यादा कस के ब्रेकिंग लगाई तो। चलिए, सो कुछ ऐसा दिखाई देता है अपना रूमी गेट। एंड देख सकते हैं वाह, बनाने वाले ने भी क्या बनाई थी चीज़ बनाई है, एंड क्या चीज़ बनाई थी मतलब है अभी तो। और ये है सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ पर बहुत से लोग सेल्फी खींचने भी आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। एंड ये है बड़ा इमामबाड़े का मेन गेट, तो यहाँ से है बड़ा इमामबाड़ा। तो जिसको बड़ा इमामबाड़ा घूमना है वो आ सकता है, बट लेकिन ये है कि सुबह से शाम तक 5 बजे से पहले आएँ, क्योंकि उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी आने वाले हैं, जल्दी ही व्लॉग आने वाला है, क्योंकि आप लोग जो लखनऊ के नहीं हैं वो देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं लाल बाग अब। Thank you.
ये है टीले वाली मस्जिद अपनी। सो गाइस हुआ क्या कि होली की वजह से अपना कोई काम नहीं हो पाया आज। भैया की भी शॉप बंद है, मैंने कॉल किया, वो तो कहो मैंने बिना जाए वहाँ यहीं से कॉल की, जब वॉशिंग पे दी अपनी बाइक तो मैंने सोचा लो बात देख लेते हैं भैया हैं भी कि नहीं है, एंड पता चला वो अभी नहीं है, छुट्टी पे गए हुए हैं, तो जब वो आएंगे तभी काम हो पाएगा। प्लस एक्सीडेंट भी हो गया छोटा सा, तो एक्सीडेंट जो हुआ दीदी से उसमें किसी की गलती नहीं थी, उनकी भी गलती नहीं थी, वो ज़्यादा क्लोज थी, बट हाँ उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, हो जाता तो। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनको भी चोट नहीं आई, हमको भी चोट नहीं आई, बेस्ट चीज़ तो यही थी, एंड अच्छी बात है, हो जाता, छोटी छोटी चीज़ें, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई, बट ठीक है। सो गाइस होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड मोटो व्लॉग भी आएंगे इस चैनल पे, क्योंकि व्लॉगिंग ही चैनल है, क्योंकि आजकल इवेंट नहीं है लखनऊ में, जैसे ही इवेंट होगा कोई ना कोई इवेंट आएगा तो आप लोग को इवेंट्स भी मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए सो गाइस तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड हाँ एक चीज़, कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप लोग कम निकलें एंड कम घूमें, स्टे एट होम, बी सेफ एंड एंजॉय द लाइफ, एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो गाइस